दोस्तों ये है बोल्ड की तरफ से प्रोपोर्ट एक्स, और इस प्राइस रेंज में काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको इसमें देखने को मिल रहा है, और एक बजट ईयरबड इसे हम कह सकते हैं 2022 में। और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करके बताएंगे कि अगर आप इसे बाई करते हैं तो आपको ये कैसी परफॉर्मेंस देगा। बॉक्स के अंदर आपको टॉप में यूजर मैनुअल के गाइड वाला पैकेट मिल जाता है, और भाई ये क्या मतलब, माचिस की तीली वाला ईयरबड आ गया अपने पास। लेकिन ये वाला ईयरबड आपके बिल्कुल और ज्यादा यूजफुल है, और कोई रेंज की इसमें दिक्कत नहीं होती, आप कहीं बैठ के इसको यूज कर सकते हैं। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ भी। तो मजाक से हट की बात करें तो इसमें आपको एक केस देखने को मिलता है, और फिर एक्चुअली आपको जो ईयरबड इसके साथ आता है वो इसमें देखने को मिलता है। अब इसको रखते हैं साइड में और बॉक्स में देखते हैं क्या क्या है। इसके बाद बॉक्स में आपको एसेसरीज का एक छोटा सा बॉक्स मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी पैकिंग के साथ आता है, और एक यूएसबी टाइप सी केबल मिल जाती है, ज्यादा एक लेंथ की नहीं है, छोटी लेंथ की है, बट इनफ है। इसके बाद इसमें आपको एक पैकेट मिलता है जिसमें कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड मिल जाता है, जो कि आप कभी भी खराब हो जाए तो इसको यूज कर सकते हैं। इस वाले पैकेट की बात करें तो इसमें आपको एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, और साथ ही साथ एक 100 रुपीज का एक वाउचर मिलता है, जो कि आप रिडीम कर सकते हैं बोल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फाइनली चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं, और सबसे मजेदार चीज के बारे में बताएं तो ये जो बंद करने पे साउंड है, ये कम से कम यूज करने से पहले 5-6 बार सुने बिना गाना सुनने का तो मन नहीं करता है। वेट की बात करें दोनों ईयरपॉड के बारे में, तो दोनों ईयरपॉड को आप एक हाथ में लीजिए और दूसरे हाथ में 5 रुपए का सिक्का लीजिए, तो अप्रोक्स दोनों का वेट सेम लगेगा। बट ऑन पेपर बात करें तो ये 9.2 ग्राम का ईयरपॉड का वेट आता है। इसके बिल्ड की बात करें तो एक प्लास्टिक बिल्ड है, और कोई काफी ज्यादा प्रीमियम नहीं लगता है, बट जिस हिसाब से इसका प्राइस है तो काफी ज्यादा इनफ ये प्रोवाइड कर रहा है इसके स्पेसिफिकेशन। और इसके केस की बात करें तो इसमें भी आपको मैट फिनिश एकदम प्लास्टिक बॉडी मिलता है, कोई ज्यादा प्रीमियम लुक इसमें आपको नहीं देखने को मिलता है। बात करें इसके फिटिंग के बारे में तो काफी अच्छे से ये आपके ईयर में फिट हो जाया करेगा, और जितना भी आप मूवमेंट दे लीजिए ये आपका गिरने वाला बिल्कुल नहीं है, और अच्छे से आप एक्सरसाइज करिए, जॉगिंग करिए, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जब जॉगिंग करके आप एक्सरसाइज करके थक जाइए तो आप पानी लेके मस्त मुंह धो के आप इसकी वाटर टेस्टिंग भी कर सकते हैं, और ये IPX5 की रेटिंग के साथ आता है, मतलब आपका ये ईयरबड आपका वाटर रेजिस्टेंट भी होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों इसके साउंड क्वालिटी को टेस्ट करने का टाइम आ गया है, और इसके म्यूजिक भी प्ले हमने कर दिया है, और साउंड की बात करें तो काफी अच्छा बेस इसमें आपको देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी इसमें आपको सुनने को मिल रही है। साउंड सुनने के बाद आपको बता दें कि इसमें आपको एक एक्स्ट्रा बेस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर एक मिनी वूफर भी मैन्युफैक्चर्ड है, और एक क्रिस्टल क्लियर साउंड इसमें आपको मिलने वाला है। आपको एक बात और बता दें कि आप जैसे ही इसको लगाएंगे तो बस आपकी जो सराउंडिंग का 70-80% नॉइज बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपको बाहर का कुछ भी नहीं सुनाई देने वाला, बस आप गाना प्ले करिए और खुद को बस सिंगर समझ के बस गाने का एंजॉय करिए। इसके टच की बात करें तो आप जब इसको राइट साइड को 2 सेकंड तक होल्ड की रहेंगे तो आपका नेक्स्ट वाला सॉन्ग लग जाएगा, जो कि आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे, और जब लेफ्ट वाले को 2 सेकंड तक होल्ड की रहेंगे तो आपका प्रीवियस वाला सॉन्ग लग जाएगा। इसके बाद बात करें तो आप डबल टैप करके किसी भी सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हैं, या कॉल कट या रिसीव कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप 3 बार टैप करते हैं तो आप गूगल बाबा या सिरी को याद भी कर सकते हैं। और इसको अगर आप एक बार अपने मोबाइल से पेयर कर लेंगे और जैसे इसको आप केस से निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। इसके बैकअप की करें तो इसमें आपको 8 आवर तक का प्लेबैक टाइम मिलता है, और केस के साथ इसमें आपको अप टू 32 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा इनफ है, और बहुत ही एक लॉन्ग टर्म म्यूजिक आप एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करें इसके चार्जिंग पोर्ट की, तो इसमें बॉटम में आपको टाइप सी का पोर्ट मिलता है जिसके थ्रू ये चार्ज करेगा, और फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जो कि सबसे अच्छी बात है। जो लोग जानना चाहते हैं कि इसका गेमिंग में कैसा परफॉर्मेंस है, तो आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले मैं BGMI खेला था, और उसमें इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा एक हल्का सा डिफरेंस देखने को मिला था, जो कि नेग्लिजिबल है, और बहुत ही गौर से सुनेंगे तब आपको थोड़ा सा साउंड में डिले देखने को मिलेगा। बात करें इस ईयरबड के प्राइस के बारे में, तो Amazon पे लाइटनिंग डील में ये आपको 1500 में मिल जाएगा, नॉर्मली इसका प्राइस 1600 रहता है, और मेरा मानिए तो आप लाइटनिंग डील का ही वेट करिएगा और 1500 में इसको लीजिएगा, ताकि ये आपको एकदम बजट में और एक अच्छे स्पेसिफिकेशन का आप ईयरबड आप ले सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था इस ईयरबड के बारे में बताने के लिए, और कैसा लगा ये आपको कमेंट में जरूर से बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो जाके एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।